कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नायब सैनी का व्यक्तिगत तौर पर हम सम्मान करते हैं, परंतु राजनीतिक तौर पर नायब सैनी बौखलाए हुए हैं। साथ ही उन्होंने कुमारी सैलजा पर कहा कि कुमारी सैलजा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, मेरी बहन हैं। उनके बारे में किसी को भी पूरे प्रदेश में अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। नायब सैनी जी इस इलाके के सांसद रहे हैं और उस नाते हम उनका व्यक्तिगत तौर से तो सम्मान करते हैं, पर राजनीतिक तौर से वो बहुत बौखलाए हुए और आए दिन अनर्गल बचकानी और गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं। मुझे लगता है उन पर भाई लीलाराम का असर हो गया है। कुमारी शैलजा जी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। कुमारी शैलजा जी ने हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाई है। मेरी तो व्यक्तिगत तौर से बड़ी बहन है। चौधरी दलबीर सिंह जी जो उनके स्वर्गीय पिता हैं, वो और मेरे पिता सगे भाई से बढ़कर रहे। और आपने इस चुनाव में भी देखा कि मैंने शैलजा जी को कहा कि कुछ हलकों में आप मत जाइए, आपका भाई काम करेगा आपके लिए, और उन्होंने आने की ज़रूरत भी नहीं समझी और हम उन हलकों से जीत कर गए। उनके बारे में कोई व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को पूरे प्रांत में अभद्र अनर्गल टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अगर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं हमारी पार्टी से भी संबंधित है तो उदय भान जी फौरन कार्रवाई करते हुए ऐसे आदमी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और उस व्यक्ति के खिलाफ उचित क्रिमिनल कार्रवाई होगी। अशोक सर, आप जनता जनार्दन के दरवाजे पर जा रहे हैं, गले ऊपर चौंक चौराहे में आपके कार्यक्रम हो रहे हैं, जनता इस बार बदलाव किस प्रकार का चाहती है, किस प्रकार की बातें हो रही हैं? आदरणीय साथी, ये सारे साथी जो इकट्ठे मिलकर जिन्होंने मेरे और कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने का निर्णय किया, अजीज़ आदित्य सुरजेवाला को सपोर्ट करने का निर्णय किया, उसका आधार भाजपा की बेरुखी है, बीजेपी की क्रूरता है, बीजेपी की अनदेखी है। बीजेपी के द्वारा जिस प्रकार से वो भ्रष्टाचार जनक पार्टी बन गई है, बीजेपी का ये मतलब हो गया है, जिस प्रकार से नौजवानों को और किसानों को लूटा गया है, जिस प्रकार से महिलाओं और युवाओं पर अत्याचार और अनाचार हुआ है, इन सब के खिलाफ बड़ा भयंकर रोष है। मैं ये कहूँगा एक तूफान चल रहा है बीजेपी की क्रूरता और अत्याचार के खिलाफ, और उसका जवाब लोग वोट की चोट से देंगे, ऐसा हमें विश्वास है।